हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। हम कैटेनरी सीरीज लेके चल रहे थे। इससे पहले मैंने तीन एग्जांपल्स इसके डिस्कस कर लिए थे। आज शुरू करते हैं चौथा एग्जांपल। इससे पहले जो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं कैटेनरी टॉपिक के ऊपर, प्लेलिस्ट के लिंक आई बटन में दे दी गई है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल से। क्वेश्चन कहता है, एल लंबाई की एक समान अवृत्तान्य डोरी के सिरों पर लगी कड़ियां स्थिर रुक्ष 36 दंड पर फिसलती है, जिसका घर्षण गुणांक म्यू है। सिद्ध कीजिए सिरों पर विरामावस्था से भिन्न दूरी पर होंगी। यहां से हमें दूरी दी गई है विरामावस्था में इनकी। यहां से दूरी है हमारे पास म्यू एल लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू। हमें यहां से ये प्रूव करना है। तो अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, हमें एल लंबाई की एक डोरी दी गई है जो कड़ियों पर 36 दंड पर फिसल रही है। तो यहां से अगर हम देखें, हमारे पास यहां से डोरी हम कैटेनरी के रूप में लेंगे और विरामावस्था में इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां से अगर हम ले, ये हम हमारा एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसके रेस्पेक्टिवली यहां से ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस। अब हमने यहाँ पर इस पर कैटेनरी की कल्पना करनी है, डोरी में, डोरी के रूप में कैटेनरी की कल्पना करनी है। यहां से ये हम इसके लिए यहां से इसका अक्ष लेंगे यहाँ पर, जिसके हम यहां से दोनों कड़ियां मान के चलेंगे। तो यहां से हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रही है हमारी कैटेनरी, ये आ गई हमारे पास यहाँ से हमारी कैटेनरी, ये इसका निम्नतम बिंदु हो गया। यहां से अगर इस पॉइंट को हम ए नाम दे, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से बी नाम दे, और इस पॉइंट को हम न्यूनतम बिंदु को, निम्नतम बिंदु को सी नाम देते हैं। एल लंबाई की डोरी है तो ये बिंदु सी इसको आधे आधे भाग में बांट रहा है, राइट। एल बाई टू के रूप में यहाँ से इसे बांट रहा है हमारे पास। अब बिंदु ए पर हम एक स्पर्श रेखा बनाएंगे। तो बिंदु ए पर हम अगर स्पर्श रेखा बनाएं, तो यहां से हमारे पास स्पर्श रेखा यहां से किस रूप में होगी, कुछ इस तरीके से हमारे पास यहां से हमारी स्पर्श रेखा होगी। ठीक इसी प्रकार हमारे पास यहां से अगर बी बिंदु पर भी स्पर्श रेखा देखेंगे, तो हमारी स्पर्श रेखा यहां से कुछ इसी प्रकार होगी, जो एक्स अक्ष के साथ 36 के साथ हमारे पास यहां पर हम मान के चल रहे साई एंगल बना दिए। ये आ गया, ये हमने एक्स एक्सिस लिया था, ये हमने यहाँ से वाई एक्सिस लिया था, इस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेंगे। तो यहाँ से साई एंगल बना लिया। अब अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, हमें क्या दिया गया है, यहाँ से एक कैटेनरी ए बी होगी, यहाँ से ये ए सी बी कैटेनरी होगी। इसका अगर हम स्पैन देखें, स्पैन आ जाएगा हमारे पास ए बी, जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है यहाँ से। अब यहाँ से बिंदु ए पर स्पर्श रेखा के अनुदिश अगर हम तनाव देखें, स्पर्श रेखा के अनुदिश तनाव हम टी मान लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसके हमारे पास बिंदु ए पर अभिलंब की प्रतिक्रिया भी तो आएगी ऊर्ध्वाधर ऊपर की, और यहाँ से यह प्रतिक्रिया आ गई हमारे पास आर, और यहाँ से आर, और इस में अगर हम देखें ये तनाव है हमारे पास टी। तो इन दोनों के बीच में अगर हम एल एंगल अगर माने, तो हमारे पास एंगल क्या आएगा, यहाँ से हम जानते हैं यहाँ से इनके बीच में बनेगा हमारे पास प्रतिक्रिया और तनाव के बीच में जो एंगल बनता है वो आएगा हमारा घर्षण कोण। घर्षण कोण आ जाएगा, घर्षण कोण हम मान के चल रहे हैं लेमडा, यहाँ से हम लेके चल रहे हैं लेमडा इक्वल्स टू घर्षण कोण, ये हम यहाँ से लेके चलते हैं। तो यहाँ से अगर ये लेमडा घर्षण कोण होगा, हम जानते हैं प्रतिक्रिया बल एकदम लंबवत होगा, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। इसमें से आधा एंगल हमने ये इतना एंगल लेमडा मान लिया था, तो बाकी बचा हुआ एंगल हम अगर बाकी बचा हुआ एंगल फाइंड आउट करना चाहें, तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस लेमडा, और अगर ये 90 माइनस लेमडा है तो ये एंगल भी 90 माइनस लेमडा ही आएगा, क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण हमारे पास हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 90 माइनस लेमडा आ गया। अब हम जानते हैं कैटेनरी के लिए हमारे पास यहाँ से सूत्र होता है, एस बराबर क्या लिखा जाता है, सी टेन साई के रूप में हमारे पास यहाँ से लिखा जाता है। तो अगर हमने आधी आधी लंबाई एल बाई टू मानी है, तो बिंदु ए के निर्देशांक हम यहाँ से, ये बिंदु ए हमने लिया था, इसके निर्देशांक एक्स कॉमा वाई हम लेके चलते हैं। तो ये डिस्टेंस हमने एल बाई टू लिया, तो एस इक्वल्स टू बिंदु ए के लिए एल बाई टू आई है, सी की वैल्यू सी रहने देंगे, टेन साई की वैल्यू हमारे पास 90 माइनस लेमडा आई है, 10 90 माइनस लेमडा हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, कोट लेमडा आ जाएगा। तो ये आ गया सी कोट लेमडा की इक्वल। अब अगर हम यहाँ से ये वैल्यू हमने एल बाई टू ली है, इसे अगर हम आगे सिंप्लीफाई करना चाहें, तो हम यहाँ से अगर लिखेंगे सी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एल बाई टू, और डिवाइड में वन बाई कोट लेमडा आएगा, वन बाई कोट लेमडा को हम टेन लेमडा यहाँ से लिख सकते हैं, ये आ गया टेन लेमडा। अब हम यहाँ से जानते हैं हमारे पास यहाँ से कैटेनरी, हमने घर्षण लिया है, तो घर्षण के केस में हम जानते हैं हमारे पास घर्षण की स्थिति में म्यू बराबर घर्षण गुणांक हमारे पास क्या लिखा जाता है, टेन लेमडा के बराबर लिखा जाता है। तो टेन लेमडा की जगह हम म्यू लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, सी आ जाएगा एल म्यू डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास यहाँ से टू, ये वैल्यू आ गई। अब हमने ए बी की लंबाई निकालनी है, ए बी बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, ए बी बराबर लिखा जाएगा टू एक्स के बराबर, जो मैक्स विस्तृति है हमारे पास या फिर स्पैन है। इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स की वैल्यू आएगी सी लॉग टेन साइन
प्लस sec psi के इक्वल आती है हमारे पास यहाँ से। तो अब अगर साई का मान प्रतिस्थापित कर दे, साई इक्वल्स टू 90 माइनस लेमडा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2c log, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10, 90 माइनस लेमडा आ गया और प्लस में आ जाएगा 90 माइनस लेमडा यहाँ से हमारे पास, और प्लस sec, sec के साथ हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, sec psi की वैल्यू 90 माइनस लेमडा है हमारे पास यहाँ से। इसके लिए भी इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब अगर c की वैल्यू रिप्लेस कर दें, c की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी यहाँ से, म्यू एल बाई टू, तो इस 2 इंटू म्यू एल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा लॉग 10, 90 माइनस 10, 90 माइनस लेमडा हम कोट लेमडा लिख सकते हैं, प्लस sec 90 माइनस लेमडा हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, कोसेक लेमडा आ गया। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, पहले हम यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई कर देते हैं, 10 लैम्डा इक्वल्स टू हमने क्या लिखा है म्यू, अगर 10 लैम्डा म्यू है तो कोट लैम्डा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई म्यू के इक्वल, ये वैल्यू आ गई। साथ ही अगर हम 10 थीटा देखें, 10 हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाता है, हमारे पास यहाँ से होता है लंब बट्टे आता है हमारे पास यहाँ से आधार। तो अगर हम इसमें कंपेयर करके लिखना चाहें, लंब का मान म्यू आ रहा है और आधार का मान 1 आ रहा है, तो अगर लंब हमारे पास यहाँ से म्यू मान के चल रहे हैं, आधार हम 1 मान के चल रहे हैं, तो कर्ण हमारे पास क्या आ जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो कोट लैम्डा हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब अगर कोट लैम्डा हमने फाइंड आउट कर लिया, कोसेक लैम्डा हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, यहाँ से ये एंगल हम लैम्डा लिख के चल रहे हैं, इसी से तो हमने सिंप्लीफाई किया है। तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो आधार होता है, लंब बट्टे कर्ण तो साइन होता है, कोसेक हो जाएगा कर्ण बट्टे हमारे पास आ जाएगा यहाँ से लंब, यही तो वैल्यू आएगी। तो कर्ण का मान स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ गया, साथ ही आधार का मान, लंब का मान हमारे पास म्यू आ रहा है, कोसेक लैम्डा की वैल्यू आ गई। वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो स्पैन ए बी बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, म्यू एल आ गया, लॉग आ जाएगा, कोट लैम्डा की जगह हम 1 बाई म्यू लिख देंगे, प्लस कोसेक लैम्डा की जगह 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास यहाँ से म्यू, ये वैल्यू आ गई। इसको या तो हम आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आगे और सिंप्लीफाई करें तो म्यू एल आ जाएगा लॉग, ये वैल्यू आएगी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा म्यू, ये आ गई हमारे पास पेन ए बी की वैल्यू जो हमने यहाँ से सिद्ध करनी थी विस्तृति। आशा है समझ आया, धन्यवाद।